इंडिया इज ऑन द मून। जी हां, जैसे ही चंद्रयान ने चंद्रमा की जमीन को छुआ, इसरो के डायरेक्टर ने देश को बताया इंडिया इज ऑन द मून। भारत के लिए, हम जैसे भारत के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है। गौरव का क्षण इसलिए क्योंकि ये अंतरिक्ष वाली जो यात्रा है ना, ये जो मिसाइल, ये जो रॉकेट वाली यात्रा है ना, ये कभी साइकिल से शुरू हुई थी। कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ते पढ़ते एक पूरी नस्ल इस देश में बड़ी हुई है। स्कूलों में वो किताब में वो कहानी हमने पढ़ी थी, लेकिन इसरो की जो कहानी है, जो हमारे विज्ञान की यात्रा की कहानी है, जो भारत के स्पेस यात्रा की कहानी है, वो बिल्कुल वैसी ही है। बहुत ही नीचे से आज हम चंद्रमा तक चले गए हैं, चांद तक चले गए हैं। हमारे देश में धरती को मां कहा जाता है और मां का भाई चंद्रमा, उसको मामा कहा जाता है। हर बच्चे के बचपन में पहला मामा चंद्रमा होता है और आज चंद्रमा मामा से भारत की भूमि, भारत की धरती की मुलाकात हुई है। हमने हमारा संदेश वाहक चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 3, वो सही सलामत लैंड कर गया है। ये गौरव, ये अनुभूति, ये अभिमान इसलिए हर देशवासी को होना चाहिए था, होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने, हमारे इसरो ने कर दिखाया है, जो दुनिया में किसी और स्पेस एजेंसी ने अब तक किया ही नहीं, किसी ने सोचा तक नहीं। चंद्रमा के उस हिस्से पर हम लैंड किए हैं, चंद्रमा के उस हिस्से तक हम गए हैं जहां किसी ने जाने का सोचा नहीं, और जिसने सोचा वो कारनामा कर नहीं सका, वो पहले ही क्रैश हो जाता था। चंद्रयान 2 भी हमने उसी वहीं भेजा था, सबसे मुश्किल काम लिया था इसरो के वैज्ञानिक ने। चाहते तो साधारण काम भी ले सकते थे जहां चंद्रमा के उस हिस्से में लैंड करते, जहां आसानी से लैंडिंग हो जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम वो दक्षिणी पोल में, वो दक्षिणी ध्रुव में उतरने का फैसला किया। चंद्रयान 2 का भी वही फैसला था जो फेल हुआ। हम लैंडिंग से पहले हमारा जो विक्रम था वो क्रैश हो गया। बहुत मायूसी थी इसरो के सेंटर में उस दिन। के सिवन, आपको याद होगा, इसरो के डायरेक्टर, काफी रोए थे प्रधानमंत्री के गले लगकर। पूरा देश उन तस्वीरों को देखकर रोया था। उन तस्वीरों के बाद से भारत के अंदर एक जिजीविषा जगी। भारत के अंदर से लोगों की यह इच्छा थी कि यह होना ही चाहिए। 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और हमने सभी की दुआएं थी चंद्रयान 2 के साथ जो पूरी नहीं हुई, वो कसक रह गई थी। और ऐसा लगता है जैसे उसी दिन देश ने फैसला किया था कि अब तो चंद्रमा की जमीन को छूना ही छूना है और उसी इलाके में जाना है जहां सबसे ज्यादा खतरा है, जो उस इलाके में ही जाना है जिसके बारे में दुनिया की किसी स्पेस एजेंसी को कुछ पता नहीं। चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसरो का मजाक उड़ाते हुए अपने अखबार में कार्टून छापा था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को भी आज इसरो ने बता दिया है कि दुनिया का सबसे एलिट स्पेस क्लब कौन सा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी यह जान ले, उस स्पेस क्लब का नाम है इसरो। नासा से लेकर रूस की एजेंसी, चीन की एजेंसी, इन सभी ने कोशिश की है उस दक्षिणी ध्रुव में उतरने की। कभी ना कभी सबने कोशिश की, सफलता आज तक किसी को नहीं मिली। इसरो ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की एजेंसियों ने अब तक सोचा नहीं और अब तक कर भी नहीं पाए। हमने वो कर दिखाया है जिससे भारत का विमान, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब चंद्रमा से लेकर सूरज तक जा रही है। यह बहुत बड़ी बात है। आपको एक बात बताता हूं, इसरो का यूट्यूब चैनल है, जब उन्होंने बताया कि वो 5:20 से लाइव जाने वाले हैं, उससे 10 मिनट पहले इसरो के उस यूट्यूब चैनल पर देश के 30 लाख लोग उस चैनल पर वेट कर रहे थे लाइव स्ट्रीम के शुरू होने का। तो देश में विज्ञान के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति और राष्ट्रवाद, देश के लिए, देश की जो वो फीलिंग होती है, भारतीयता की जो फीलिंग होती है, जब आप कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, ये जब ध्वनि आपके अंदर से आती है, और वैसे लोग और पूरा देश इसरो का वेट कर रहा था कि यह सफलता हमें मिलनी ही चाहिए, चंद्रमा पर तिरंगा आज लहराना ही चाहिए। 140 करोड़ का यह देश मस्जिदों में, गिरजाघरों में, मंदिरों में प्रार्थना कर रहा था, अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि यह वैज्ञानिक, जिन्होंने तपस्या दिया है, जिन्होंने तपस्या किया है, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खपा दिया है, इनको, हे ईश्वर, इनको सफलता जरूर दिला देना।
140 करोड़ देशवासियों की दुआएं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ थी, उनकी तपस्या के साथ थी, और हमने हमारा जो चंद्रयान 3 था उसकी लैंडिंग करा दी। लैंडिंग उस इलाके में, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके बारे में, उस दक्षिणी ध्रुव के बारे में दुनिया को बहुत कुछ पता नहीं है। हमने भी पहले कोशिश की थी, हम भी असफल हुए। वही बात है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो क्या है ये, तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को देश की तरफ से बधाई है, देशवासियों की तरफ से बधाई है, और पूरा देश आज उन्हीं के लिए गौरवगान कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। हर व्यक्ति खुश है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी विज्ञान ने एक नई यात्रा तय की है और भारत अब चंद्रमा पर है। दुश्मनों के लिए एक बात और है, जो कुमार कवि विश्वास ने कभी कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, कि झंडे पर चंद्रमा होने में, झंडे पर चांद सितारा होने में और चांद पर झंडा होने में, देश का झंडा होने में औकात का फर्क है। तो जो है दुश्मन उनके लिए ये, और इसरो के वैज्ञानिकों ने जो आज किया है वो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है। आज की तारीख 23/8/2023 भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है। वो इसलिए, एक सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया भर में ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जो हजारों करोड़ के बजट के साथ अपने मिशंस पे जाती हैं। हमारे इसरो का उतना बजट नहीं है। इसरो का सालाना बजट 12,000 करोड़ का है। चंद्रयान का बजट 650 करोड़ के आसपास का था। नासा का मून मिशन करीब 25,000 करोड़ से अधिक का होता है। तो आप ये समझ लीजिए ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिया इस मिशन को, कि पैसे भी कम लगे और हमने वो विजय भी प्राप्त कर ली चंद्रमा पर। यानी कि आने वाले वक्त में जो इसरो ने आज किया है, पहली बात जो सबसे जरूरी है, इसरो के चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो दुनिया ये समझ जाएगी कि इसरो की काबिलियत क्या है। पैसे से काबिलियत का कोई लेना देना नहीं है। काबिल आदमी कम पैसों में भी बहुत अच्छा कर सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया है, हमारे इसरो ने वो कर दिखाया है। हजारों करोड़ के बजट वाले स्पेस सेंटर्स भी वो कर नहीं सके जो आज इसरो ने किया है। नासा की तरफ से इसरो को बधाई दी गई है। जैसे ही चंद्रयान ने चंद्रमा की जमीन पर कदम रखा, पूरा इसरो स्पेस सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हमारे वैज्ञानिक कर रहे थे। उसमें महिलाएं, पुरुष, वृद्ध वैज्ञानिक, वो सब जिन्होंने इसरो को अपना एक कालखंड, अपने जीवन का कालखंड दे दिया, वो इस देश के लिए, अपने विज्ञान के लिए। तो भारत के विज्ञान की जो गति है अब इसके बाद बहुत तेज होने वाली है। हम पूरे सौर मंडल को खंगालने वाले हैं और हमारा विज्ञान, हमारा विज्ञान का समझ, सब कुछ बदल जाने वाला है। तो भारत की इस चंद्रमा विजय पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।